नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 83 है। दोस्तों, हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन यहां से कवर हो जाए। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आसान तरीका क्या होता है दोस्तों सॉल्व करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा, यह क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको ओरल डायरेक्ट सॉल्व ना करिएगा, ठीक है। पहले तो आप दो पूर्णांक मानिए दोस्तों, और उनका गुणनफल 24 होना चाहिए। और इसमें देखना है दोस्तों, सबसे छोटा कौन होगा, यानी जोड़ने पर सबसे छोटा कौन हो रहा है जिनका गुणनफल 24 हो। देखिए कैसे माना जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 हो, तो पहले देखिए 24 किन किन संख्याओं से कटेगा दोस्तों, एक से कटेगा ना, हाँ, एक और 24 हो जाएगा एक, यानी कि दो ऐसे पूर्णांक ये हैं जिनका गुणनफल क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। 24 गुणे एक करेंगे तो क्या होगा, 24 ही होगा। अब बताइए, दो से दोस्तों 24 कटेगा, हाँ, दो से कटेगा 12, 12 में दो और 12 भी, ये दो पूर्णांक ऐसे हैं जिनका गुणनफल 24 है, ठीक है। चलिए तीन से कटेगा, हाँ, तीन वटे 24 होता है, तीन और 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, चलिए ये हो गया। आगे चार से कटेगा, चार छके 24 होता है ना, चार और 6 भी हो गए, ठीक है, चार और 6। आगे बताइए, पांच से कटेगा, नहीं, छह से कटेगा, हाँ, छह चौको 24, तो वही उल्टा हो जा रहा है, यानी कि छह चौको 24 कहिए या चार छके 24 कहिए, बात हो जा रही है वही चीज। आठ तरीके 24 या तीन या आठ कहिए, 8 3, यहीं तक ये संख्या है। दो ऐसी पूर्णांक है दोस्तों, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, जिनका गुणनफल 24 हो रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहां कह रहा है योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका योगफल क्या होगा दोस्तों, एक और 24 का योगफल क्या होगा, एक और 24 जोड़ेंगे ये 25 होगा। दो और 12 का दोस्तों योगफल क्या होगा, 12 दो जोड़ेंगे तो 14 होगा। तीन और 8 का दोस्तों क्या होगा, तीन 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा। चार और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। तो बताइए दोस्तों, योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा, पूछ रहे ऑप्शन में से, तो क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटा मान क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट दोस्तों क्या करते हैं, ओरल दिमाग से ही सॉल्व कर लेते हैं, 3 बटे 24, 8 3 11 देखते हैं, तुरंत आंसर दे देते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको दोस्तों आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा मेहनत करना है दोस्तों, बस इतना सा। आप देखेंगे ना, जब इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों लास्ट में हम आपसे मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न भी पूछेंगे, जिसका आंसर दोस्तों आपका आप सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना उसका सही आंसर क्या है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में क्या पूछता है, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है, यह पूछ रहा है। तो देखिए आसान तरीका समझा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे दोस्तों क्या कह रहा है, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में, तो देखिए यहां पे 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं, ये क्या है दोस्तों, फीमेल है, महिलाएं हैं, और बराबर ही काम यानी उसी काम को दोस्तों 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में, तो ये 16 क्या है, मेल है, कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है, एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए करना क्या है, इधर वाला जो लिखे हैं दोस्तों, ये वाला क्या है, मेल का है, इधर वाला क्या है, लेफ्ट साइड वाला फीमेल का है। चलिए इसको देखिए,
यहीं पे आप कटा लीजिए, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से देखिए 5 चौको 20 हो जाएगा, ये क्या होगा 5 से 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, 4 फीमेल बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, 3 मेल आ रहा है ना। पूछ क्या रहा है दोस्तों, किसका रेशियो पूछ रहा है, एक पुरुष और एक महिला का, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है ना। तो यानी कि आपको करना क्या है दोस्तों, मेल बाई फीमेल लिखना है। तो ये दोस्तों फीमेल बराबर किधर गुने में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा, ये मेल बाई फीमेल हो गया। ये 3 क्या है दोस्तों, गुने में है ना, ये इधर जाएगा बराबर के तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी कि मेल इज टू फीमेल का रेशियो दोस्तों क्या आ रहा है दोस्तों, 4:3 का आ रहा है। कितना रेशियो आ रहा है दोस्तों, 4:3। देखिए 4:3 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक पुरुष और एक महिला के क्षमता के बीच अनुपात क्या होगा दोस्तों, 4:3 का होगा। तो 4:3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम दोस्तों जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि डेली आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। तो देखिए दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये रेलवे एग्जाम में दोस्तों 7 से 8 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन है दोस्तों, एक राशि पर 10% देखिएगा, 10% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपये है, राशि का मान रुपये में क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं। यहां पे पहले दोस्तों आपको ना, मैं पैसा हर बार बोलता हूं ये चीज, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना दोस्तों, एक राशि पर 10% प्रतिवर्ष, यहां प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष, दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज क्या है दोस्तों, 935 रुपए। यहां पे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना है, थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 12 महीनों का कह रहा है, 12 महीने का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1 ईयर होता है, क्या होता है, 12 महीना का मतलब एक साल, एक साल का ब्याज क्या है दोस्तों, 935 रुपए। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, राशि का मान रुपए वो क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो आप कितने प्रतिशत दर से, 10%। तो यह देखिए सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, यहां पे आपको एसआई का आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना उसका फॉर्मूला नहीं रटना है, बहुत आसान है, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 10% है ना दोस्तों, ये किसके बराबर है दोस्तों, 935 के बराबर है, किसके बराबर है दोस्तों, 935 रुपए के बराबर है। और पूछ रहा है राशि का मान, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो 10% बराबर दोस्तों 935, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, 935/10, और कितने का मान बताना है, 100, तो गुने 100 बस। अब देखिए 0 से 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, 935 में दोस्तों 10 से गुना करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों, 9,350 रुपए। वो राशि क्या है दोस्तों, वो राशि है 9,350 रुपए। देखिए 9,350 किस ऑप्शन में दिया है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहां पे 12 महीनों कह रहा है यानी एक साल का, 10% प्रतिवर्ष की दर से कह रहा है, यानी 10% बराबर 935, तो 100% बराबर क्या करेंगे दोस्तों, 935 में क्या करेंगे दोस्तों, 1 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 10 का जो 0 है ना वो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। 10% बराबर 935, तो 100% बराबर 9,350, ऑप्शन नंबर ए में दिया, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दूं, डेली दोस्तों आपको क्लासेस की टाइमिंग बता दूं, डेली मॉर्निंग में दोस्तों 5 PM पे मैम आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर की क्लास लेके आती है, करंट अफेयर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराती है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य होते हैं।
और दोस्तों 10 AM पे दोस्तों एक सर हैं जो आपके रेलवे NTPC ग्रुप डी SSC एग्जाम्स के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और दोस्तों 2 PM पे एक और मैम है जो रेलवे NTPC ग्रुप डी SSC अदर एग्जाम्स के लिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कराती हैं। और 8 PM पे दोस्तों डेली मैं आपके लिए एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की क्लास लेकर आता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों डेली SSC मेकर पे यानी कि 4 क्लासेस चलती हैं, चारों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर दोस्तों हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए दोस्तों ना आपको समीकरण बनाना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे? अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a+1/a = 2 तो a^5 + 1/a^5 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिएगा आसान तरीका बता रहा हूं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप ये जो a लिखा है ना इसकी जगह पे आप कोई वैल्यू मानेंगे कि बराबर में 2 हो जाए। तो दोस्तों यहां पे हम लेते हैं a = 1, तो a बराबर 1 जब लेंगे तो दोस्तों ये जो a है ना 1 हो जाएगा प्लस 1/a की जगह क्या होगा 1 = बताइए क्या 2 हो रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए यहां पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1/1 का मतलब क्या होता है 1, ठीक। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 2 = 2 हो रहा है, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। LHS = RHS यानी कंडीशन अच्छे से सेटिस्फाइड है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, a = 1 मान के आपको आंसर दे देना है। तो ये दोस्तों जो a है ना इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1 रखेंगे, 1^5 + 1/ ये दोस्तों जो a है ना इसके जगह पे भी क्या रखेंगे 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो फिर 1^5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1^5 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। 1^5 कुछ भी हो दोस्तों तो क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो देखिए 1 + 1/1 ये भी हो गया, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में और 1 + 1 क्या होगा दोस्तों 2 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, जो मैं पार्ट वाइज करा रहा हूं, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं, आप सारे पार्टों को दोस्तों जरूर देखिएगा, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें मैं शामिल करता हूं। आप दोस्तों सारे पार्ट देख लेंगे तो आप कोई सा भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो 70 से 80% दोस्तों इसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो 80% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, उन वो सारे प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। और दोस्तों जो 30 से दोस्तों देखिएगा जो आपका 30 से 20 यानी 20 से जो 30% दोस्तों होगा, 20 से 30% जो क्वेश्चन होगा वो इसी का क्या होगा दोस्तों इर्द गिर्द क्वेश्चन होगा, यानी कि नंबर चेंज होगा, उसे भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो इन सभी पार्टों को आप जरूर देखिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सारे पार्ट देखेंगे, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके कवर होंगे। देखिएगा ये होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा, मैथ का पार्ट नंबर 82 देख लेंगे। पार्ट नंबर 82 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट नंबर 82 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 82 दोस्तों आपको मिलेगा कहां से, इसका लिंक दोस्तों यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं। दोस्तों आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 82 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, SSC की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों आप इस ई बुक को लेंगे कहाँ से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।